हाय गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गला अभी भी थोड़ा सा किचकिच कर रहा है, बट अभी टुडे इज 9th of October, टाइम इज़ अराउंड 12:37 AM, रात के 12 बज रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर लेट नाइट ब्लॉग। एंड जैसा कि तुम सबको पता है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बैकलॉग हो गया था। मतलब यार, इतना डर लगता है मुझे ना बैकलॉग के नाम से। मतलब बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अंदर से अजीब सा डर लगता है ये कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कहीं लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मेरा सिलेबस ही ना कंप्लीट हो पाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी फीलिंग होती है वो, मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती तुम्हें। तुम्हारे भी अगर ऐसे ही बैकलॉग हुए होंगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फील हो रहा होगा। एंड मतलब लिटरली मैंने जब 3 पॉइंट बात स्टार्ट किया था, मैंने कहा था मैं बैकलॉग नहीं होने दूँगी, एंड फिर से वही हो गया है। सो अभी मैं प्लान करूँगी मुझे क्या करना है। सबसे गलत क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में सेकेंड थाट्स आने लगते हैं। जैसे कि मैं सोचने लगी थी उम्मीद बात से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, उम्मीद बात से भी तो लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, एक आध दिन पढ़ने के बाद, फिर मैं बैक टू यकीन बात। मतलब यार, मतलब एट द एंड यकीन बात एक 100% कंटेंट वाला बैच है ना, एंड उम्मीद बात से भी सिलेक्शन हुआ है नो डाउट, बट स्टिल अगर यू नो ड्रॉप लिया है तो 100% देना चाहिए। एंड सो अभी मैं प्लान करूँगी कैसे बैकलॉग कंप्लीट करना है एंड फिर बताती हूँ तुम लोग को। तो इतनी देर से मैंने क्या प्लानिंग की वो तुम लोगों को दिखा देती हूँ। सो 3.2 बैच पता नहीं क्यों बहुत फास्ट चल रहा है। वो क्या करा रहे हैं, जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी। सो मैंने क्या किया है, ये मैंने लिखे हैं सारे 3.2 बैच के टेस्ट एंड उसका सिलेबस, ठीक है। अब जब ये मैंने 2.2 बैच के टेस्ट का सिलेबस लिखाया एंड जब 3.2 बैच में फर्स्ट टेस्ट होगा तब मैं 2.2 बैच का दूंगी, है ना। तो जैसे कि 16 को 3.0 बैच का हमारा फर्स्ट टेस्ट होने वाला था, अब मेरा तो काफ़ी सारा कुछ छूट चुका है, तो मैं जो 2.0 बैच है उसके हिसाब से अपना फर्स्ट टेस्ट दूंगी। उसमें थोड़ा सिलेबस कम आया था, फर्स्ट टेस्ट में बेसिक मैथ्स, मोल कॉन्सेप्ट, असल डिवीजन, एनिमल टिश्यू ही आया था। मतलब बेसिक मैथ्स में भी स्ट्रेट लाइन तक, मोलिकुलर फार्मूला तक, तो मैं इतना कवर करके फर्स्ट टेस्ट दूंगी अपना। एंड अब इसके अकॉर्डिंग मैं सारे टेस्ट देती जाऊंगी, तो मैं पढ़ूंगी भी 2.0 से और टेस्ट भी दूंगी 2.0 का, बस शेड्यूल फॉलो करूंगी 3.0 का कि 3.0 बैच में आज फर्स्ट टेस्ट है 16 तारीख को, तो मैं भी अपना फर्स्ट टेस्ट दे दूंगी। 23 को सेकंड टेस्ट होगा तो मैं सेकंड टेस्ट दे दूंगी, ऐसे करूंगी। बस टेस्ट का मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया, अब यही शेड्यूल मैं फॉलो करूंगी एंड उसी के हिसाब से थोड़ा जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो अच्छी बात है। और मतलब बाकी ये मेरी डेडलाइन से जो हाईलाइट कर रखा है मैंने कि इस डेडलाइन से पहले ये टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। एंड अभी ये मैंने 27 नवंबर तक लिख लिया है, आई होप कि सब स्मूथ हो जाए, सब सही से चले। एंड चलो अभी देखते हैं क्या क्या करना है। थोड़ा बहुत चीज़ें प्रिंट आउट भी सोच रही हूँ कर लूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए सब कुछ। सो लेट्स सी।
सो आई डोंट नो आपने कहीं सुना है कि नहीं, बट यू नो वन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव योर मेनी आवर्स ऑफ डूइंग। सो 1 घंटे की प्लानिंग आपके काफ़ी सारे घंटे बचा सकती है करते करते। सो इसीलिए मैं करने जा रही हूँ प्लानिंग। सो प्लानिंग इन द सेंस मैंने ये तो फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या करना है, एंड अब थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लूँगी कि अब नेक्स्ट वीक से मुझे ये चीज़ें स्टार्ट कैसे करनी है। कि अब ये तो पता चल गया ये करना है, बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखूँगी। सो मैं सोच रही थी कि जो भी सारे लाइक चैप्टर्स हैं, लाइक सबसे पहले तो DPP, अब क्वेश्चन लिखना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाइक जो MR सर हैं एंड सर्वेश सर हैं, इनके लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, एंड आई गेस 3.5 में चैप्टर्स जल्दी इसीलिए कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आई गेस कम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लास में। सो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होने की वजह से क्लास के नोट्स लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं उतना प्रोडक्टिव भी नहीं होता है क्योंकि कोई क्वेश्चन रटना थोड़ी है जो उसको लिख रहे हैं हम लोग। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं नोट्स एंड DPPs दोनों ही प्रिंट कर लेती हूँ, मतलब अभी के लिए प्रिंट कर रही हूँ, बाकी कंपैटिबल लगा तो कंटिन्यू करूँगी। सो मैं सोच रही हूँ इनिशियल मूल कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वही है मैंने बेसिक मैथ्स कंप्लीट किया था अभिषेक सर के साथ। हाँ अभिषेक सर के साथ, एंड मतलब MR सर के तो मैंने 4 ही 5 लेक्चर देखे थे, बट और इधर अभिषेक सर ने 6 लेक्चर में पूरा बेसिक मैथ्स ख़त्म करा दिया था। तो वही मुझे लग रहा था कि एक बार MR सर से भी मुझे करना चाहिए। तो अब इस वीक, इस संडे को यानी कि 16 को मैं बेसिक मैथ्स मूल कॉन्सेप्ट इन दोनों को कंप्लीट करके फाइनल कर दूंगी। तो अभी मुझे जो भी चीज़ें प्रिंट करनी है मैं उनके लाइक चैप्टर वाइज, जैसे लाइक बेसिक मैथ है तो मैंने उनके सारे PDF डाउनलोड कर लिए, लाइक DPP के सारे PDFs, फिर उन्हें एक साथ मर्ज कर लिया ताकि प्रिंट करने में ईजी रहे। अभी एक प्रिंट कराऊंगी तो दिक्कत होगी, और फिर उनके आंसर की वाला जो पेज होता है लाइक उसमें से 1, 2, 3, 4 लिखा रहता है तो उसे प्रिंट करना वेस्ट ही है बिल्कुल, तो वाले पेजेस हटा दिए मैंने। एंड ऐसे करते करते मैंने बेसिक मैथ्स मूल कंसेप्ट वेक्टर्स और हाँ वेक्टर्स, बस इन 3 चैप्टर्स की PDFs बना लिए हैं DPPs के अलग एंड नोट्स के अलग, एंड अभी वही बनाती जा रही हूँ मैं। बनाने के बाद इन सबको जाके प्रिंट कर लूँगी फटाफट से, तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर मैं कल से प्रॉपर मूल कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ स्टार्ट कर दूँगी। एंड बायो में मैंने सोचा है बायो में अभी मैं लेक्चर्स नहीं देखूंगी, लेक्चर्स की जगह मैं NCERT कवर कर लूँगी डॉक्टर आनंद महीसर के लेक्चर्स से। तो मैंने बहुत बार देखा होगा मैं डॉक्टर आनंद महीसर के लेक्चर्स देखती हूँ, तो NCERT रिव्यू उनका एक प्लेलिस्ट है तो उसमें बहुत सही है लेक्चर्स। पूरी NCERT सर ने लाइक 2 घंटे में 3 घंटे में चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रखी है। सो मैं वहीं से एनिमल टिश्यू एंड सेल डिवीजन, ये 2 चैप्टर्स आने वाले हैं इस वाले टेस्ट में, तो मैं वो वहीं से कवर करूँगी। ऐसे क्या होता है बायोलॉजी के लेक्चर्स का थोड़ा टाइम बच जाता है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में वो टाइम स्पेंड हो जाता है एंड इधर बायोलॉजी के चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो मैं सोच रही हूँ बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखूंगी, बस DPP लगा लूँगी। तो अभी तो फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री के ही DPP प्रिंट करूँगी, देखूँगी तो बायोलॉजी की भी प्रिंट कर लूँगी। हाय गाइस, तो काइंड ऑफ चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं। ये हो गया है प्रिंट, ये देखो ये मैंने सारी DPPs ऐसे प्रिंट कर ली हैं ताकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मतलब DPPs तो इम्पोर्टेंट रहती हैं तो ये मेरे पास हमेशा प्रिंट रहेगा। एंड ये मैंने कर लिए नोट्स भी प्रिंट, ये देखो ये मूल कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं। लाइक सर्वेश सर के जो मूल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर थे वो अभी तक मेरे कंप्लीट ही नहीं हो पाए सारे, क्योंकि अभी भी लास्ट के कुछ बचे थे तो मैंने सारे नोट्स प्रिंट कर लिए। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो दिक्कत होती लिखती कब कंप्लीट होता, तो ये भी प्रिंट कर लिया है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँगी, इन नोट्स से रेफ़र करते हुए लेक्चर्स देखूँगी और उसके बाद फाइनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके नोट्स बनाऊँगी। लाइक हम ज़बरदस्ती नोट्स के अंदर क्वेश्चन एक एक लिखते हैं तो क्या फ़ायदा, सीधे यहीं पर रखेंगे, जब भी रिविजन करना होगा बस इसे देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बाकी शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी मैं। सो या ये मैंने सारी DPP प्रिंट कर ली हैं, ये बेसिक मैथ्स की है, फिर है मूल कॉन्सेप्ट की, फैक्टर्स की। सो ऐसे सारी DPPs प्रिंट कर लिए और नोट्स प्रिंट कर लिए, एंड यहाँ पे ये स्केड्यूल लगा लिया है, टेस्ट का स्केड्यूल है ये। एंड ये मैं बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ इस मंथ में, मैं मतलब बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर कर लूँगी सो दैट कि फिर रिविजन करती रहूँगी। बायोलॉजी मतलब हर साल मैं बहुत लास्ट में छोड़ देती हूँ तो वो मैं इस साल नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बायोलॉजी थोड़ा आगे लेकर चलूँगी। एंड सो दिस इज हाउ आई एम गोना कंप्लीट माई बैकलॉग्स। तो चलो अभी रैप अप करती हूँ, सुबह तुम लोगों से मिलती हूँ, गुड बाय।
सो या गाइस, प्लानिंग प्लॉटिंग सब हो गई है। मैं कल से करूँगी डेली ब्लॉग, रोज़ ब्लॉग अपलोड होगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दिया करो। मैंने कल स्टडी विद मी वाला वीडियो डाला था, तुम लोग ने देखा बट कमेंट ही नहीं किया। कमेंट में मुझे बताओ तुम्हें वो वीडियो कैसा लगा। तुम्हें और भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए लाइक 2 घंटे के 3 घंटे के, तो मुझे बताओ, तो मैं ऐसे और वीडियोज़ डालूंगी। सो कल से हम करेंगे बैकलॉग्स कवर। तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, तुम भी अपने बैकलॉग्स ऐसे कवर कर सकते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट। गुड बाय।